गुल रहे महेंद्र सिंह धोनी के घर की बिजली, छोटे से फॉल्ट को ढूंढने में बिजली विभाग को लगा 3 घंटे। दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी घुटने की सर्जरी के बाद अपने घर में आराम कर रहे हैं। इसी बीच सोमवार की शाम टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के घर की बत्ती गुल हो गई। धोनी के घर घंटों बिजली गुल रहने के बाद बिजली विभाग को शिकायत की गई। तब आनंद फानन बिजली विभाग की टीम फॉल्ट ढूंढने में जुट गई। दोस्तों, कप्तान धोनी घुटने की सर्जरी कराकर इन दिनों अपने घर रांची में आराम कर रहे हैं। IPL 2024 के सीजन के लिए तैयारियों में जुट गए हैं। सोमवार की शाम करीब 3 घंटे तक धोनी के घर की बिजली गुल हो गई। ऐसा होने के बाद धोनी के घर से बिजली विभाग को शिकायत दर्ज कराई गई। जूनियर इंजीनियर रंजीत कुमार का कहना है कि कुछ टेक्नीशियन फॉल्ट के चलते सोमवार की शाम रातू सब स्टेशन बिजली की आपूर्ति बंद हो गई थी। रातू सब स्टेशन के सहायक अभियंता का कहना है कि दलादली चौक के पास इंसुलेटर पंक्चर होने के कारण बिजली आपूर्ति की समस्या उत्पन्न हुई। धोनी का घर भी इसी इलाके में है। धोनी के घर बिजली की आपूर्ति बेटवादी ग्रिड के जरिए की जाती है। 11 केबल बिजली आपूर्ति वाले इस क्षेत्र में दलदली चौक में पड़ती है। यही इंस्टॉलेटर पंचर होने के चलते 3 घंटे बिजली आपूर्ति की समस्या उत्पन्न हुई। धोनी इन दिनों झारखंड के रांची स्थित अपने घर में रह रहे हैं, जहां पर करीब शाम 6 बजे धोनी के घर की बिजली गुल हो गई। बत्ती गुल होने के बाद कुछ घंटे देर इंतजार करना पड़ा, लेकिन बिजली नहीं आने पर बिजली विभाग को शिकायत दर्ज की गई, जिससे ठीक कराने में बिजली विभाग को 3 घंटों से अधिक का समय लग गया था। दोस्तों, आज की जानकारी में बस इतना ही। इस घटना के बारे में आप अपने व्यक्तिगत राय हमें जो कमेंट सेक्शन में लिखे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।